चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था हाँ कि क्लाइंट साइड पे आप लिनक्स सर्वर पे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे पहला वीडियो देखे हैं एफटीपी का। अब हम सेकंड में बात कर रहे हैं एनएफएस के, कि एनएफएस सर्वर के थ्रू आप लिनक्स से किसी भी लिनक्स क्लाइंट के लिए उसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे ला सकते हैं बाया लिनक्स सर्वर एनएफएस के थ्रू। तो एनएफएस जो है वो आपके एक प्री इंस्टॉल सर्विस होती है जो कि आपका लिनक्स सर्वर में या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्री इंस्टॉल हो जाती है। जब आप इसको इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं तो इंस्टॉल करते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में हैं तो वो सर्वर के साथ साथ आपका एनएफएस प्री इंस्टॉल हो जाता है। बेसिकली एनएफएस का जो काम है वो आपका किसी भी फोल्डर को शेयर करने के काम आता है लिनक्स के केस में। तो इसके लिए हमें एएम सर्वर चाहिए, क्योंकि जब क्लाइंट है तो आपको पता है वो डेटा कहाँ से एक्सेस करेगा सर्वर से। तो यम की जो रेगुलेटरी होती है आपके अंदर से वहाँ से वो डेटा को एक्सेस करेगा। हमें आईपी एड्रेस चेक करना है, एनआईडी पता होनी चाहिए, फायरवॉल ऑफ होना चाहिए, लिनक्स डिसेबल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है वो अपने एनएफएस को चेक करते हैं कि एनएफएस इंस्टॉल है या नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि एनएफएस मेरा इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ पर एनएफएस को चेक करने की कमांड होती है आरपीएम स्पेस -हाइफन क्यूए, पाइप का साइन होता है आपके उसमें एंटर के ऊपर, और जी रैफ स्पेस एनएफएस आपने एंटर किया तो देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि एनएफएस की यूटिलिटीज है वो क्या है आपकी इंस्टॉल है। अगर मैं देखता हूँ कि सर्विस स्पेस एनएफएस स्पेस एचटीटीपी स्टेटस ऑन है या ऑफ है तो ये भी स्टॉप है। एनएफएस की जो सर्विस है वो क्या है आपकी स्टॉप है। सर्विस को ऑन करने से पहले मैं अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ, तो ऑन से मैं अपना आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, मेरा आईपी एड्रेस 33301 है। चलिए अब अपने फायरवॉल चेक करता हूँ सेटअप कमांड से, देन मैं जाता हूँ फायरवॉल पे एंटर। मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, इस वॉल मेरी फायरवॉल भी ऑफ है। चलिए अब देखता हूँ मैं अपनी स्क्रीन में, तो इसके लिए कमांड है कि स्टेटस एचटीटीपी स्टेटस, देखें ये भी मेरा कैसे मोड में है, डिसेबल मोड में है, मीन्स मेरा सब कुछ काम फिट है, बस मेरे को एनएफएस को कॉन्फिगर करके उसकी सर्विस को ऑन कराना है। मैं आपको दिखा देता हूँ सीधी स्पेस वॉल के अंदर एफटीपी के अंदर मेरा एक डायरेक्टरी है पॉप नाम को, जिसमें मेरा पूरा डीवीडी कॉपी है। लेट्स स्पेस पॉप में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मेरा पूरा डीवीडी जो है कॉपी है, क्लाइंट यहाँ से अपना पूरा पैकेज उठाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं एनएफएस की सर्विस को कॉन्फिगर करता हूँ। तो इस पॉप नाम के फोल्डर को मेरे को एनएफएस के थ्रू शेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए शेयर के लिए यहाँ पे फाइल होती है, उसके लिए आप उसको ओपन करने के लिए एडिट करने के लिए कुछ लोग मैनुअल एडिटर चलाते हैं, कुछ वीआई एडिटर चलाते हैं जिनको ये नहीं आता। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया आप इस फाइल को जो है वो जी एडिट में खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जी एडिट डालता हूँ, फाइल का नाम है /etc/exportex नाम की फाइल होती है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए आपकी ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वो कुछ टाइप करना पड़ेगा, जैसे मेरे को यहाँ पर आपका कौन सी फाइल को शेयर करना है, तो फाइल का नाम है /what folder को शेयर करना, /FTP/ आपको मेरे को क्या करना है शेयर करना है इस पेज। यहाँ पर अब आपको स्टार का मतलब होता है कोई भी क्लाइंट इसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आप परमानेंट आईपी एड्रेस दे सकते हैं सबनेट मास्क, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा आर ओ, आर ओ का मतलब होता है रीड ओनली, और अगर आपको रीड राइट देना है तो आर डब्ल्यू दे सकते हैं, और FYNC आपका जो पैकेट है वो सिंक्रोनाइज रूप में जाए। बस इतना लिखने वाला आपको इस फाइल को सेव करना होता है। तो हमने इस फाइल को सेव किया और यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। अब आप जो क्या कर सकते हैं फाइल को रीड कर सकते हैं, तो कैट स्पेस /etc के अंदर एंटर किया तो देखिए इस फाइल में एंट्री ऑलरेडी आ गई जो आपने अभी अभी। अब आपको क्या करना है एनएफएस की सर्विस को स्टार्ट कराना है, तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है सर्विस स्पेस एनएफएस स्पेस पहले सर्विस ऑन नहीं थी इसलिए स्टॉप शटिंग डाउन नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट भी तो ओके हो गई। अब दोबारा कमांड चलाएंगे सब कुछ ओके ओके आएगा, ये आपको पता है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, सर्विस
स्पेस nfs स्पेस स्टेटस रनिंग में है। अब आपको क्लाइंट साइड में जाना है क्योंकि मैं चाहिए है, और क्लाइंट साइड में जाने के बाद आपको इसके अंदर लिनक्स की जो है वो डीवीडी को माउंट कराना है, इंसर्ट कराना है, और उसी से आपको जो मैंने यहाँ पर कराई हुई है उसी से आपको इसको बूट कराना है जैसे हमने एक्सपी में कराया था। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और उसमें मैंने फर्स्ट डिवाइस ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा उसको रीड कर लेगा। देखिए इसने रीड कर लिया, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से करता हूँ तो ये मेरे को कहेगा इंस्टॉल करने के लिए, मेरे को इंस्टॉल नहीं करना, मेरे को सर्वर से इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर एस्केप का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लिनक्स स्पेस ASKMETHOD, अब मेथड मैं एंटर करूंगा। मैं ये सेलेक्ट करूंगा ओके, मैं कीबोर्ड सेलेक्ट करूंगा ओके। अब देखिए एफटीपी के केस में हमने यूआरएल लिया था, बट एनएफएस के केस में एनएफएस डायरेक्टरी लेंगे, तो देन सेलेक्ट द एनएफएस डायरेक्टरी एंड ओके, हम डालेंगे एनएफएस मैन ओके। अब हमें वही आईपी एड्रेस की सेटिंग करनी है, मैनुअल पे क्लिक करेंगे, स्पेस पे होता है वो इनेबल का हटा देंगे, देन ओके। हमें पता है कि हमारा जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 33 की रेंज में 1 है, तो उन क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस देना है वो 33 की रेंज में ही देना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 25 है ओके। अब देखिए ये अपने लैन कार्ड जो कंप्यूटर है अपने लैन कार्ड को आईपी एड्रेस दे दिया। अभी मेरे से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एनएफएस सेटअप, तो एनएफएस सेटअप में सबसे पहले पूछ रहा है एनएफएस सर्वर नेम, फिर पूछ रहा है Red Hat Enterprise Linux डायरेक्टरी। सबसे पहले सर्वर नेम में मैं आईपी एड्रेस दूंगा, तो आईपी एड्रेस जो है सर्वर का वो है आपका 33.0.0.1 और एनएफएस में जिसको मैंने शेयर किया है /var/ftp, ठीक है, देन मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। तो हमारा सब कुछ ठीक हुआ तो ये इसको जो है यहाँ से एक्सेस कर लेगा। देखिए इसे एनाकोंडा फाइल को मैंने स्टार्ट कर दिया, अब आप अपनी डीवीडी आराम से निकाल सकते हैं और इसका इंस्टॉलेशन आप चला सकते हैं जैसे आपने एफटीपी में किया था। देखें यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ गया, आप इसके आगे इंस्टॉलेशन बढ़ा सकते हैं जैसे आपको पता है डीवीडी निकाल के। चलो मैं एनएफएस के बारे में आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ, अगर कभी आपने जैसे कोई चीज़ शेयर करी है और हम उसको चेक करना चाहते हैं कि हमने क्या शेयर किया है और हम क्लाइंट साइड पर बैठे हैं या सर्वर साइड पे बैठे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है सो माउंट स्पेस -e स्पेस सर्वर का आईपी जहाँ पर हमने एनएफएस को शेयर किया है, तो हमने इसी के ऊपर शेयर किया है, तो इसको आईपी डाल देते हैं 33.0.0.1, बता रहा है कि हमारा ये शेयर है और ये सभी के लिए शेयर है। दूसरी कमांड सर्वर साइड पे चलती है आपको बताएंगे कर सकते हैं। थैंक यू।